बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई। राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 की दोपहर दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो। उनकी उम्र सिर्फ 58 साल की थी। राजीव कपूर का जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इस महान कलाकार को याद करते हुए उनके भाई रणधीर कपूर ने काफी कुछ बताया है। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि निधन के कुछ समय पहले आखिर क्या हुआ था। एक न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने कहा है, मेरे साथ 24 घंटे एक नर्स रहती थी क्योंकि मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। उस दिन सुबह 7:30 बजे वो नर्स ऊपर राजीव को उठाने गई थी, लेकिन राजीव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। नर्स ने पाया कि राजीव की पल्स काफ़ी धीमी थी और वो और कम होती जा रही थी। हम तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसका निधन हो गया था और मैं इस घर में अकेला ही रह गया। आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी किस्मत हमेशा उनसे रूठी रही। उनकी तकदीर ने कभी उनका साथ नहीं दिया। वो एक ही फिल्म के लिए जाने जाते रहे, राम तेरी गंगा मेली। हमारे फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर जी की मौत का सदमा भूले ही नहीं थे कि हमें राजीव कपूर जी की मौत का बड़ा सदमा लगा। ऋषि कपूर जी को सब घर में प्यार से चिंटू कहकर पुकारते थे और राजीव कपूर जी को प्यार से चिंपू कहकर पुकारते थे। But tell me in your family, is there a hierarchy of bullying? I mean, Dabu bullying Chintu, Chintu bullying Chimpu, Chimpu bullying the dog. What do you bully? दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। हमने कभी उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास हो तो कहाँ एहसास होता है। दुख की बात तो ये है कि उनकी तकदीर ने कभी उनका साथ ही नहीं दिया। मेरी हर सांस पर है तेरा एहसान, कैसे जाएगा वो तारा। कपूर फैमिली के आने वाले सदस्यों में से बाकी कपूर की तरह राजीव कपूर जी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना सके। राज कपूर जी चाहते थे राजीव कपूर जी अपने कैरियर की शुरुआत आर के बैनर तले नहीं, वो बाहर काम करें, अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाए। राज कपूर जी ने राजीव कपूर जी से कहा था कि ये एक रेखा है जिसकी एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ तुम। फिल्मों की शुरुआत उन्होंने एक जान हमसे की। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। एक जाने हम फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे, लेकिन पर्दे पर ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 4-5 फिल्में साइन की थी तब कपूर साहब ने कहा कि तुम मेरी फिल्मों में काम करोगे। उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो कपूर साहब को सर कहते थे। उन्होंने कहा, क्या सर आप मजाक कर रहे हैं। तब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो हमेशा से ही चाहते थे कि कपूर साहब की फिल्मों में काम करें। अपनी दूसरी फिल्मों की सब डेटें कैंसिल कर दी। उन्होंने कपूर साहब से कहा कि काम करोगे नहीं, काम कब करना है ये बताओ। उनकी शक्ल शमी कपूर जी से काफ़ी मिलती जुलती थी, इसीलिए पर्दे के पीछे जो टेक्नीशियन होते थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, सब शमी कपूर जी के साथ काम कर चुके थे। राजीव कपूर जी ने जब इंडस्ट्री में कदम ही रखा था, उनके फिल्म के सीन, किरदार, गाने की स्टाइल शमी कपूर जी की तरह उनसे कैरेक्टर करवाते थे।
जब लोग उन्हें ब्रेन वॉश करने लगे, उनकी बातें करने लगे, तब उन्हें लगा कि उन्हें अपना एक खुद का स्टाइल बनाना चाहिए। उनके खून में ही था शम्मी कपूर जी जैसी शक्ल, ऐसी अपने आप में ही कोई हरकत, बात करने का तौर तरीका, स्टाइल। उन्हें लगा कि ऐसा क्या करूं कि खुद की पहचान बने। उन्होंने कोशिश की राम तेरी गंगा मैली फिल्म में। फिल्म के एंड में राज कपूर साहब ने उनसे कहा, अब तुम्हें कोई नहीं कह सकता कि तुम शम्मी कपूर जैसे लगते हो, तुमने अपना किरदार निभाया। जैन की किताब कपूर नामा के मुताबिक उस फिल्म का राजीव कपूर जी को कोई फायदा नहीं हुआ। फिल्म का सारा क्रेडिट मंदाकिनी और कपूर साहब ले गए। राजीव कपूर जी की शिकायत थी कि उनके पिता ने मंदाकिनी के किरदार को ज्यादा तवज्जो दिया है। रो और रो, अपने सपनों पर रो, अपने आशाओं पर रो, अपनी तकदीर पर। अब रोने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में। तब उन्होंने जवाब में कपूर साहब से कहा कि राज कपूर भी एक ही है, उस जैसा कोई नहीं। आर के बैनर तले राम तेरी गंगा मैली वो अपनी फिल्म बनने से बहुत ही खुश थे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि वो फिल्म ही उनके पिताजी से उनकी नाराजगी की वजह बनी। मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई। फिल्म हिट होने के बावजूद भी राजीव कपूर जी वहीं के वहीं रह गए। वो इस बात का जिम्मेदार अपने पिता को मानते थे। राजीव कपूर जी चाहते थे कि उनके पिता ऐसी फिल्म बनाए, स्टार होने का फायदा उन्हें भी मिले, जैसे ऋषि कपूर जी को बॉबी फिल्म में उनके पिता ने दिया था। लेकिन उनके पिताजी ने ऐसा नहीं किया। मुझे नफरत है पूर्णिमा की जान से, जो आसमान के माथे पर कौर की कत्ती दाग की तरह चिपका हुआ। सबर से काम लो बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा फ्रैंक चाचा, क्या ठीक हो जाएगा? उनके पिताजी उनसे यूनिट का सारा काम, जो स्पोर्ट बॉय और असिस्टेंट किया करते, वो उनसे करवाते। रजा मुराद जी के कहने के मुताबिक लगता ही नहीं था कि इतने बड़े परिवार के बेटे हैं। साधारण असिस्टेंट की तरह रोड साफ करना, ट्रॉली चलाना, वर्कर के साथ रहना, यहाँ तक कि उनके साथ खाना भी खाते थे। बड़े भाई ऋषि कपूर जी कभी डांटते तो सामने कभी पलट कर जवाब भी नहीं देते। इतने अच्छे संस्कारी इंसान थे। राम तेरी गंगा मैली के बाद तकरीबन उन्होंने 13 फिल्मों में काम किया। राम तेरी गंगा मैली को छोड़ के उनकी सभी फिल्में फ्लॉप रही। उनसे कम अच्छे एक्टर जिंदगी में आगे बढ़ गए, उनकी फिल्में भी चली, लेकिन वो अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनके पिता राज कपूर जी उनको लेकर कोई फिल्में नहीं बनाते। इस बात को लेकर वो उनके पिता से इतने नाराज थे। वो कपूर परिवार से दूर एक रूम में 3 दिनों तक शराब के नशे में चूर रहे। राज कपूर जी के गुजर जाने के बाद उनकी अधूरी फिल्म हिना को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठाई। हिना फिल्म में भी उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। उस दौर में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होती थी, इसीलिए इस्लाम में हमें एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी है। नहीं शहबाज खान, शरीयत इस्लाम की ये मुकद्दस रिवायतें, ये कानून इसलिए नहीं बनाए गए कि मर्द उनका नाजायज फायदा उठाकर औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। नहीं, ये कानून तो औरत को प्यार, इज्जत और पनाह देने के लिए बनाए गए हैं। लिल्लाह,
तुमको यूं बदनाम ना करे। वो अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अक्सर आप सब हमें तस्वीर में देखते हैं, हमें बहुत कम मौका मिलता है कि हम खुद अपने आंखों से आपको देख सके। दुआएं आशीर्वाद आपने मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरे स्वर्गीय पिताजी पर, मेरे प्रेम ग्रंथ। फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। वो अपना काम बड़ी शिद्दत से करते थे। जब प्रेम ग्रंथ की शूटिंग पूना फार्म में कर रहे थे, तब माधुरी को अगले दिन बंबई जाना था। 2-2.5 घंटे का काम बाकी था। माधुरी चली जाती तो 4-5 महीने तक काम अटक जाता, तो उन्होंने रात 1:30 बजे तक पैकअप किया था। आ अब लौट चले का निर्देशक भी उन्होंने किया था। ये फिल्म भी उन्होंने बनाई थी। दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमान। प्रेम ग्रंथ, आ अब लौट चले इतनी बेहतरीन फिल्में होने के बावजूद भी नहीं चली। उनका पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं चला। समझ सको तो हम सफर, हमें तुम अपना जानो। उधर नहीं इधर चलो, कभी तो कहना मान। हर लिपट के पूछो कि आगे मर्जी है अब हमारी क्या। अकेलापन हमेशा उनके साथ रहा। उन्होंने टीवी सीरियल भी बनाई थी, वो भी नहीं चली। आखिर में आशुतोष जी की फिल्म में काम किया। वो फिल्म 2021 में रिलीज होने वाली थी, वो भी किसी कारण से अटक गई। खुद को पर्दे पर साबित कर पाते, वापस पर्दे पर खुद को देखने की ख्वाहिश भी उनकी अधूरी रह गई। उन्होंने आरके फिल्म को जीवित रखा था। आगे भी वो फिल्में बनाना चाहते थे। एक जान है हम, राम तेरी गंगा मेली मेरी फेवरेट फिल्म में है। फिल्म राम तेरी गंगा मेली के लास्ट शूट में, शूट खत्म होने के बाद वो रजा मुराद जी को बार बार पूछते थे कि आपको चोट तो नहीं लगी ना, अगर आप इस फिल्म के गाने सुनोगे तो जरूर गुनगुनाने लगोगे। ये गाने हमें हमेशा हमारे जहन में उनकी खूबसूरत याद दिलाएगी। उन्होंने हमेशा सादगी भरा जीवन बिताया। उन्हें किस्मत से हमेशा नाराजगी रही कि निराशा ही उन्हें हाथ लगी। मुझे किशोर दा का एक गाना याद आता है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, उतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलिया, कोई बतला दे मुझे डूबता फिर क्या करे। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, खुद अकेले स्ट्रगल करते रहे, तो उनकी तकदीर ने भी उनका साथ नहीं दिया। बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तेरा साथ छूटा, टूटा दिल तो ये जाना, कितना है मुश्किल दिल से यार को भुलाना। बुझ गया सूरज, जले चांद तारे, नजरे धुआं है, धुआं सारे नजारे। हंस के कहूँगा सारी दुनिया से ये गम, मर भी गया तो होगा प्यार नहीं कम। छीन ले तुझे जो मुझसे, किसमें है ये दम। तन से जुदा है तो क्या, एक जान है हम। हाँ।